Assalamu alaikum everyone. Hopefully you guys are doing very well. Alhamdulillah, I'm good. So I was getting a question about this, ki what we need for the MD CAT ke andar kaun se forms or kaun se documents vagera chahiye hote hain. So I thought ki why not to tell you guys everything ki kya kya cheeze chahiye hoti hain, taki aap log un sab cheezon ko pehle se hi ready rakhe before your MD CAT, aur wo cheeze aapke paas honi chahiye. So first thing that you guys need is best preparation. ठीक है, बेस्ट प्रिपरेशन फॉर एमडी कैट इज समथिंग दैट इज नेसेसरी और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. जब तक आपकी बेस्ट प्रिपरेशन ही नहीं होगी ना, तो आप लोग कुछ भी डॉक्यूमेंट्स की बात करें, दिस इज बिल्कुल फजूल. ठीक है, बेस्ट प्रिपरेशन फॉर द एमडी कैट इज समथिंग दैट यू नीड अ लॉट फॉर योर एमडी कैट. उसके बाद यू नीड CNIC और बे फॉर्म. बेसिकली CNIC फॉर दोज हु इज अबव 18 एंड बे फॉर्म लाइक बर्थ फॉर्म फॉर दोज हु आर बिलो 18. तो स्टार्ट में आई वॉज हैविंग बर्थ फॉर्म, बट देन आई विल हैविंग CNIC जब आई वॉज इन द सेकेंड अटेम्प्ट. देन आफ्टर CNIC एंड बर्थ फॉर्म यू नीड डोमिसाइल आपका सिंध, इफ यू आर फ्रॉम द सिंध तो आपका सिंध का होना चाहिए, इफ़ यू आर फ्रॉम द पंजाब तो आपका पंजाब का होना चाहिए. और कुछ बच्चे मुझसे ये पूछे थे कि ये बताएं कि सिंध वाले बच्चे पंजाब में अप्लाई कर सकते हैं, पंजाब वाले सिंध में कर सकते हैं. सो आई विल आंसर दिस क्वेश्चन एज वेल, बट नॉट नाउ बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट द डॉक्यूमेंट्स. देन यू नीड आफ्टर CNIC एंड पे फॉर्म आपको चाहिए होता है फादर का डोमिसाइल, और फादर और जो आपका डोमिसाइल है उन दोनों का एड्रेस शुड बी सेम. देन यू नीड द परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट दैट इज PRC. PRC इज नीडेड बिफोर योर MD कैट. तो आपको PRC बनवाना है, डोमिसाइल, PRC, ये सब कुछ चीज़ें ऐसी जो आपको पहले से बनवा के रखना है, ये ज़रूरी है. इनके अलावा एडमिशन नहीं हो सकता. आपके डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपका एडमिशन रिजेक्ट हो सकता है, दिस इज पॉसिबल, और ऐसा हुआ भी है. इवन आपकी सीट भी जा सकती है. तो बेटर टू हैव ऑल दोज डॉक्यूमेंट बिफोर योर MD कैट. पहले से सबको तैयार करके रखें. देन यू हैव PRC और परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट. देन यू नीड योर मैट्रिक सर्टिफिकेट. दिस इज बेसिकली अ सर्टिफिकेट, दिस इज नॉट द मैट्रिक मार्कशीट और मैट्रिक एनरोलमेंट, नो, मैट्रिक सर्टिफिकेट, FSC का सर्टिफिकेट. एंड यू नीड FSC का होप फॉर्म, लाइक होप सर्टिफिकेट एक होता है, मतलब कि आपका FSC का अगर रिजल्ट नहीं आया तो आपको होप सर्टिफिकेट देना होता है, तो वो FSC का होता है. उसके अलावा फादर डोमिसाइल एज वेल, एंड इफ योर फादर इज इन द नेवी तो देयर इज काइंड ऑफ डिस्काउंट, तो यू नीड समथिंग लाइक पे स्लिप फादर की. इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, योर फीस. ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें जो आपको उनको जमा करवानी होती है, और आपकी मैट्रिक की मार्कशीट और आपकी FSC की मार्कशीट भी वो सब जमा कर लेते हैं अपने पास, आपकी ओरिजिनल. तो ये सारी चीज़ें जो उनको चाहिए होती हैं. सो ऑलवेज रिमेंबर कि जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, यू हैव दोज डॉक्यूमेंट बिफोर योर MD कैट, ताकि ड्यूरिंग योर MD कैट आपको कोई मसला ना हो, आपको कहीं जाना ना पड़े. और पिक्चर्स वगैरह भी ना पहले से ही लेके रख दिया करें, ताकि ड्यूरिंग योर MD कैट ऐसी सिचुएशन होती है ना कि आप बाहर जा नहीं सकते हैं, तो बेटर कि वो सब कुछ आपके पास पहले से हो. और इसके अलावा कितनी फाइल्स होती हैं विद द टाइम मैं आपको बता दूंगी. वैसे हमें जो है ना वो 3 फाइल्स बनवाई थी, और वो 3 फाइल्स हमने सबमिट करवाई थी थ्रू द लाइक लेपर्ड वगैरह के थ्रू. उसके बाद फिर इस तरह का कुछ था सीन. बाकी मैं आपको डिटेल्स जो है ना वो बाद में बता दूंगी, बट दीज आर दोज डॉक्यूमेंट दैट आर नेसेसरी. लेकिन सबसे वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट यू नीड इज योर MD कैट बेस्ट पेपर. इफ यू आर गोइंग टू हैव अ बेस्ट MD कैट पेपर, तो ये सब चीज़ें भी लाइक चाहिए होती है, बट वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. सो दिस इज ऑल अबाउट दोज थिंग्स दैट यू नीड फॉर योर MD कैट. And best of luck everyone. Also बैच ठीक में आप रजिस्टर कर सकते हैं टिल 1 जुलाई, बिकॉज मैंने डेट एक्सटेंड किए, बहुत सारे बच्चे लेना चाह रहे थे. तो यू गाइस कैन एनरोल योरसेल्फ. क्या क्या चीज़ें उसमें कवर करनी है? वी विल कवर द इंग्लिश सब्जेक्ट, बायो के रिकॉर्डेड लेक्चर्स, आई विल प्रोवाइड रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एंड विद द रिकॉर्डेड लेक्चर आई विल ऑल्सो प्रोवाइड द MCQs, मतलब चैप्टर वाइज MCQs ऑफ द पास्ट पेपर, चैप्टर वाइज पास्ट पेपर के MCQs भी, एंड ऑल्सो जो बाकी मुझे कोई कोचिंग के इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो भी. उसके बाद फिजिक्स के अंदर हम लोग ऐसे करेंगे कि थ्योरी का पोर्शन अलग होगा एंड फार्मूला ट्रिक्स अलग है. लाइक थ्योरी का पोर्शन वीडियो अलग है, एक चैप्टर की 2 वीडियोज़ हैं, एक थ्योरी और एक शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह जो उसकी होती हैं चैप्टर्स की, वो एक अलग से. एंड अबाउट द केमिस्ट्री वी हैव अ डिफरेंट ऑर्गेनिक सीरीज, एंड वी हैव द केमिस्ट्री की डिफरेंट टॉपिक वाइज रिकॉर्डेड वीडियोज एज वेल. और फॉर द बायो वी हैव द इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स एंड इम्पॉर्टेंट लाइन्स, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स जो कि पेपर में आ सकती हैं. एज यू गाइज नो दैट के बायो इज टोटली थ्योरी बेस्ड, तो हमने उसको थ्योरी जैसा ही रखा है, बट फॉर फिजिक्स वी मेड लाइक मैथमेटिक पोर्शन एंड ऑल्सो लाइक द थ्योरी पोर्शन. ठीक है, दोनों पोर्शन इंक्लूड है, न्यूमेरिकल्स एंड बोथ. उसके अलावा इफ नीडेड तो आई कैन टेक द जूम मीटिंग्स एज वेल, एंड आफ्टर दैट MCQs वगैरह, और ऑल्सो वी हैव द टेस्ट सेशन एज वेल. देखें फुल लेंथ टेस्ट हमारे पास 10 होंगे, उसके अलावा
चैप्टर वाइज टेस्ट भी मैं लेती हूँ, लाइक 3 चैप्टर कम्प्लीट करने के बाद एक टेस्ट होता है, उसके बाद मार्क्स जो हैं वो सब कुछ आपको आपके ईमेल पे मिल जाते हैं और वो टेस्ट ऑनलाइन होते हैं, आपको ऑनलाइन करना होता है. तो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी गुड. आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी वन लाइक यू गाइज, लाइक इन 3500 यू आर गेटिंग सच अ बिग पैकेज. सो या आई थिंक दिस इज बेस्ट. और डाउग्रेड सीरीज भी हम सॉल्व करेंगे, डाउग्रेड सीरीज प्लस डाउग्रेड सीरीज एंड ऑर्गेनिक सीरीज एंड या और टेस्ट सीरीज वगैरह. सो दिस इज ऑल दोज थिंग्स जस्ट इंक्लूडेड एंड ऑल्सो इंग्लिश, इंग्लिश भी है. ठीक है, इंग्लिश के अंदर मैं सारा पैटर्न बताऊंगी कि किस तरह से इंग्लिश पढ़ते हैं और क्या क्या चीज़ें आती हैं पेपर के अंदर. ऑल्सो आई विल प्रोवाइड द वोकैब वर्ड्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो द वोकैब फ्रॉम द वोकैब वर्ड्स सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह आ रहे होते हैं, तो आई विल प्रोवाइड दोज वोकैब वर्ड एज वेल. सो हूएवर वांट्स टू एनरोल देमसेल्फ यू गाइस कैन मैसेज हियर. एंड charges is 3500. You just have to send a screenshot to this number. Once you're done sending the screenshot, you will be added in 3 groups. First is official group, that in which the official group is for like all the notification. कि आज हम लोग जैसे हम लोग जो पढ़ते हैं monthly like schedule होता है, तो मैं इस तरह schedule send करती हूँ, weekly schedule. कि आज हमने ये chapters पढ़ने हैं. So this is how. और classes हमारी regular होंगी, no off. Like जैसे हम लोग पहले start में for the batch A हम लोग ने जो है ना वो सैटरडे संडे क्लासेस रखी थी बिकॉज दे हैव इनफ ह्यूज टाइम. बट नाउ फॉर द बैच सी दे डोंट हैव एनी, दे हैव अ रेगुलर क्लासेस. और जो रेगुलर क्लासेस हैं वो भी ऐसी होंगी कि आई विल सेंड द वीकली स्केड्यूल ऑन द ऑफिशियल. यू हैव द ऑफिशियल 3 groups होंगे, ऑफिशियल ग्रुप, लेक्चर ग्रुप्स एंड एनसीक्यूज. लेक्चर में आपके लेक्चर के लिंक्स, आपके लेक्चर्स और आपके लेक्चर के PDF वगैरह आएंगे. एंड अबाउट द MCQs, MCQs के अंदर आपके आफ्टर एवरी लेक्चर यू विल गेट MCQs एज वेल, ताकि लेक्चर लें उसके बाद लेक्चर को लिखें, नोट करें एंड देन यू हैव टू सॉल्व द MCQs. और जो टेस्ट के लिंक है वो भी आपको MCQs के लिंक, MCQs वाले ग्रुप में आएंगे. सो बेसिकली वी हैव 3 groups, ऑफिशियल एंड देन वी हैव MCQs ग्रुप एंड देन वी हैव लेक्चर ग्रुप. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज अवर माई BMAT का. एंड आई रियली वॉन्ट कि बहुत सारे बच्चे मेरे जो है वो BMAT में से डॉक्टर बन के निकले. बेस्ट ऑफ लक एवरीवन. So this is all about the BMAT and this is all about the documentation that you guys need for your MCAT. Any kind of help you want, you can tell me. Allah Hafiz, take care. Best of luck everyone. And koi bhi question regarding the document, you can ask me in the comment section. I will be online inshallah. And also follow me on the Instagram. Allah Hafiz, take care.